दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे दो शेयर के बारे में, आईटी के शेयर से रिलेटेड दो शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं। तो उन वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि हमारा चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो में जो पहला शेयर हमने चूज़ किया है, ये शेयर है बिरला सॉफ्ट, इसे बी सॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन की परफॉर्मेंस देख लीजिए तो लगभग 22 पॉइंट्स की जंप है, मतलब 14.69%, मतलब लगभग 15% की यहाँ पर जंप दिखाई दे रही है। 5 डेज पहले देख लीजिए 143 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था, और 1 मंथ पहले देख लीजिए 107। 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड आया था और सब शेयर गिरे हुए थे। तो देखिए 100 रुपये का शेयर हुआ करता था 27 फेब को, बट कोविड आया तो कोविड में ये शेयर केवल 52 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था, और आज लगभग शेयर ने 3 गुना शेयर की कीमत हो चुकी है। मतलब विद इन 3 to 4 मंथ्स ये शेयर लगभग 300% के रिटर्न दे चुका है। अगर आप यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, 23 मार्च से आज तक लगाते तो 232% के रिटर्न जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, 232% के रिटर्न यहाँ पर आज की डेट में अगर किसी ने 23 मार्च को खरीदा होगा तो 232% के रिटर्न उसे मिल गए होंगे। आईटी सेक्टर का ये शेयर है और काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और एक बार इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो 2002 में ये 9 रुपये में लिस्ट हुआ था, बट इसका जो चार्ट पैटर्न है देख, जितनी तेज बढ़ता है उतनी तेज गिरता भी है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है, इसमें गिरावट कितनी बार गिरावट देखी गई है। बट जो शेयर होल्डर्स के अच्छे लास्ट तक बने हुए और अच्छा, जो इतना लॉन्ग टर्म जिसने वेट किया है उसे उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उसे मिलता आया है। तो शेयर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और काफ़ी कम कीमत में भी है, और आईटी सेक्टर का है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईटी सेक्टर आजकल बूमिंग सेक्टर है, तो बहुत अच्छा शेयर यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं तो 1 मंथ 1 डे में जैसे कि मैंने दिखा दिया 14%, 1 वीक में 16, 1 मंथ में 57, मतलब जिसने 1 महीने पहले भी खरीदा होगा तो सिर्फ 57% का रिटर्न, 3 मंथ्स में 171, इसके अलावा लॉन्ग टर्म देख लीजिए 10 ईयर्स में तो 87.36, मतलब शेयर ने अभी जस्ट चढ़ना ही शुरू किया है, तो धीरे धीरे ये शेयर बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। तो आईटी सेक्टर का शेयर भी है, काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसकी आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि सामने आपको नज़र आ रहा है 52 वीक लो, जैसे कि 24 मार्च को 46 रुपीज़ का मिल रहा था, और 52 वीक आज 52 वीक हाई भी इसने लगाया 178 रुपीज़ का। पी रेशो की बात की जाए तो पी रेशो इसका 27.46 है, और सेक्टर इंडेक्स जो इसका पी है सेक्टर का वो 24 है। इसके अलावा डिलीवरीज की बात की जाए तो आज के दिन लगभग 12% की डिलीवरीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इतनी डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो शेयर होल्डर्स के पास लगभग 40.77% के यहाँ पर शेयर्स है, इसके अलावा पब्लिक में 58.76% के शेयर्स है। और अभी डिविडेंड में देखा जाए तो अब 2019 में 2 रुपये का, 2020 में फैब में 1 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया था, इसके अलावा 13 अगस्त 2020 को फिर इन्होंने अभी 13 तारीख को 1 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रख रखा, कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा हम अगर इनके बैलेंस शीट की तरफ एक बार नज़र मार लेते हैं तो आप देखिए रिजर्व्स देख लीजिए, शेयर्स के रिजर्व्स देखिए कि किस तरीके से रिजर्व्स, पहले 1181 करोड़ के रिजर्व्स थे, फिर 1336 करोड़ के, 1466, 1129, और अभी लगभग 1156 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व्स है। कंपनी की बात की जाए डेट की तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले 220 करोड़ का डेट था, फिर 286, फिर 249, फिर 38, और अभी 0, मतलब अभी ये डेट फ्री कंपनी है। तो ये डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिखाया पिछले साल में, कहाँ पर उनके पास 220 करोड़ का डेट हुआ करता था और कहाँ पर आज 0, कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए तो 219, 138, 152, 97 और अभी लगभग 314
करोड़ रुपीस के यहाँ पर रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है। ओके, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छे शेयर्स में इसमें जंप भी देखी गई है, आज के दिन ही 15% की जंप दी गई है, और रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कभी भी चाहे तो ये कंपनी बोनस भी दे सकती है, डेट फ्री है, काफ़ी साल से अच्छी नहीं चल रही थी जैसे कि, और ये कंपनी जितना बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा गिरती भी है। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अपनी खुद की स्टडी करके, फंडामेंटल्स की और भी ज़्यादा ध्यान से कंपनी को देख के, इसकी वेबसाइट्स को देख के, इसके गोल्स को देख के, इसके विज़न को देख के आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की के पीछे मत भागिएगा कि आज के दिन 15% है तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हमें बिल्कुल नज़र आ रही है। ओके, बट आप इसमें छोटे छोटा शेयर का प्राइस है तो आप देख सकते हैं 10 शेयर, 100 शेयर एज पर योर कैपेसिटी। ओके, आप इसे लेके या अपनी वॉच लिस्ट में रख के, या फिर इसके अलावा अपने स्टडी के एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट करके इस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आइए दूसरे शेयर की तरफ बात करते हैं। तो दूसरे शेयर का नाम है इन्फोबिन टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इंदौर बेस्ड कंपनी है ये। ओके, आज के दिन की ये बात की जाए तो लगभग 1 पॉइंट की गिरावट, मतलब 1.12% की यहाँ पर गिरावट देखी गई है। ओके, तो 5 डेज का पैटर्न देख लेते हैं, 170 रुपये, जैसे कि गिरावट ही गिरावट नज़र आ रही है। बट 1 महीने का पैटर्न देखते हैं तो 20 जुलाई को ये 90 रुपये का शेयर हुआ करता था, और जो आज की डेट में 115 रुपये का। 6 मंथ का देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड से किस किस कंपनी ने पार लगाया है, कौन सी कंपनी है कि कोविड में गिरी बट उतनी उनमें हिम्मत थी कि वो दोबारा ऊपर आ गई। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 145 रुपीज़ का शेयर 20 फेब को था, कोविड में 58 रुपीज़ पे आ गया था, और लगभग अभी 115 पे है, मतलब 100% के, मतलब डबल तो इसका रेट हो ही गया है। मतलब कंपनी ने अच्छी खासी जंप लगाई है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2017 में आई थी, 3 साल ही इस कंपनी को हुई है। 63 रुपीज़ पे कंपनी का लिए शेयर लिस्ट हुआ था, और लगभग जैसे कि आपको ऊपर देखे 145 तक इसका हाईएस्ट यहाँ पर 20 फेब को दिखाया। तो कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आईटी की कंपनी है, तो डेफिनेटली हम इसकी तरफ नज़र लगा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में कोई भी कंपनी ओपन होती है तो रिटर्न इतने खास नहीं देती, बट धीरे 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 कंपनी शुरू होती है, और लॉन्ग टर्म का विज़न हम हमेशा रखते हैं। तो ये कंपनी आज से 5 से 10 साल या 20 साल बाद ये किसी अलग ही लेवल पर होगी। शायद इसका शेयर 2,000, 3,000, 5,000 तक भी चले जाए एज पर इट्स कैपेसिटी, एज पर इट्स मैनेजमेंट। तो सब चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसके भी हम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो 1 डे 1 वीक का परफॉर्मेंस यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है, बट 1 मंथ का देखिए 25% का प्रॉफिट, 3 मंथ्स में 32, 1 साल की बात की जाए तो लगभग 81.75, और 2 ईयर में 90, और 3 ईयर जैसे कि बताया था कि 3 साल कंपनी का हुआ है, तो 84% के यहाँ रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बैंक की FD से तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 52 वीक लो, 13 सितंबर को 54 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था, 52 वीक हाई जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 24 फरवरी को 149 रुपीज़ का। आज के दिन की डिलीवरीज पर थोड़ा सा नज़र डालिए तो लगभग 70% की लोगों ने डिलीवरीज यहाँ पर उठाई है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर्स के पास लगभग 74.957, मतलब 75% कह सकते हैं कि इतने परसेंट की यहाँ पर होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास 24.04% की होल्डिंग्स है। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है 2019-2020 में 1-1 रुपये का। और सबसे अच्छी बात, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर इन्होंने अपना गिरवी नहीं रखा है। इसके अलावा एक बार हम इसके बैलेंस शीट की तरफ रुख कर लेते हैं, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है रिजर्व्स देख लीजिए, पहले 36 करोड़ के हुआ करते थे, फिर 35, फिर 81 करोड़, फिर 99, और अभी 121, मतलब 121 122 करोड़ रुपए के रिजर्व्स इस कंपनी के पास अभी है। डेट की बात की जाए तो कंपनी का पहले लगभग 0.07 करोड़ रुपीस का कर्ज था, फिर 4 करोड़, फिर 1 पॉइंट, मतलब 19 लाख, फिर 12 लाख, और आज की डेट में 0.05 करोड़ रुपीस का इसके पास डेट है, मतलब लगभग लगभग 50,000 रुपये के आसपास इनका डेट है कंपनी के पास। तो डेट के मामले में कहा जाए तो डेट रिड्यूसिंग भी है, और प्लस में कुछ डेट नहीं है, कभी भी चाहे तो कंपनी दे सकती है, इतना खास कोई डेट है नहीं, तो इसे वर्चुअली डेट फ्री भी कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए
तो कैश एंड बैंक बैलेंस पहले 8, फिर 13, फिर 25, 30 और आज की डेट में 6 करोड़ रुपए का इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। ज़्यादा बड़ी कंपनी है नहीं, ओके, बट उसके हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और शेयर की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 115 रुपये का शेयर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप इस शेयर की तरफ भी थोड़ा निगाह रख सकते हैं, और 3 साल ही कंपनी का हुआ है तो आगे वाले आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है। लॉन्ग टर्म का विज़न रख के चलेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, खुद की स्टडी करिए, और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वॉच लिस्ट में रखिए, इसे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, और अच्छा लगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप उठा सकते हैं, बट बेवकूफ़ी मत करिएगा। ज़्यादा पैसे लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम इस कंपनी का हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत पैसा लगा के शुरुआत कर सकते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, एज़ पर योर कैपेसिटी, क्योंकि छोटा शेयर है और छोटे छोटा इसका मार्केट कैपिटल भी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अब वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, इसके अलावा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपके पास हमारी जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।